आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीक्वल को कैसे एक्सेल में यूज करते हैं, क्योंकि जब भी आपसे भी और भी स्टूडेंट्स उनसे बात होती है, बोलते हैं सीक्वल सीक्वल की जरूरत नहीं है, हम एक्सेल सीखना चाहते हैं। मतलब डाटा को इंपोर्ट करते हैं ना सिक्वल में, एक्सपोर्ट कर, मतलब नहीं, इसमें से मैं इसमें डाला कॉमन जाता एक्सेल है। की बात कर रहा हूँ, मैं एसक्यूएल सर्वर और अदर एप्लीकेशन को छोड़ देता हूँ, ओनली फॉर मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल की। आप ओके एक्सटर्नल डेटा सोर्स, जैसे मान लीजिए एक्सेल से एक्सेल को लिंक करना है मेरे पास, ओके आप एक चीज देख लीजिए, मेरे पास एक डेटा है, डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ डेटा है, राइट? तो ठीक है। मुझे ऐसा करना है कि मेरा इस डेटा का लिंक जो है इस डेटा से हो, ये आपका डेटा है ना, इसका लिंक। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, इक्वल प्रेस कर देते हैं या कॉपी करके पेस्ट ऐसे लिंक कर देते हैं, यही करते हैं ना, लिंक समझते हैं ना सर? बिल्कुल हाँ, लिंक मैं समझता हूँ। तो वहां पे चेंज होती है, यहाँ भी चेंज है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके डेट में, कल के डेट में आपका कॉलम इंक्रीज होता है या डेटा इंक्रीज होता है, तो आपको इसको नीचे तक लेके आना होता है, राइट सर? बिल्कुल तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सटर्नल डेटा सोर्स की मीडियम से लिंक इम्पोर्ट करते हैं। तो बोले तो यहाँ पे तो कोई एक्सेल फॉर्म एक्सेल तो है ही नहीं, हम क्या करते हैं कि फ्रॉम एक्सेस पे चले जाते हैं, यहां से देखिएगा, और यहां पे मैं ऑल फाइल कर देता हूं, और इसी में मेरा वो डेटा वाला फाइल दिख जाता है, दिख गया, एंड हमने ओपन कर दिया और डेटा को लिया एंड ओके, ये हमारा लिंक हो गया। लिंक हो गया सर। अब प्रॉब्लम है कि पूरा डेटा लिंक हुआ है, मुझे पूरा डेटा नहीं इसको चाहिए, लिंक, इसको लिंक किसके साथ किए हैं? फाइल के साथ एक्सेस के साथ किए ना, नहीं, एक्सेल के साथ नहीं किया, किसके साथ लिंक किया? अच्छा, एक्सेल तो एक्सेल है, जैसे कि हम यहाँ डेटा में आएंगे एक्सेल ना तो सर, एक्सेल तो है, ठीक है। एक्सटर्नल में यहाँ पे एक्सेल से कनेक्ट करने का नहीं है, लेकिन फ्रॉम एक्सेस पे जब क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की फैसिलिटी है कि आप एक माइक्रोसॉफ्ट की जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी फीचर है वो ले सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस फाइल दिख रहा है, बस यहाँ पे मैंने ऑल फाइल कर दिया, यहाँ मुझे एक्सेल का फाइल आ गया, सिंपल सा, समझे सर? अच्छा, मैं साथ साथ में ओपन मैं भी कर रहा हूँ। हाँ एक बार देख लीजिए फिर ओपन कीजिएगा, ठीक है? फिर हाँ ठीक, नहीं मैंने ओपन किया और डेटा को लिंक कर दिया, ये मैं हमारा मोबाइल पे, मैं क्लास ले रहा हूँ और लिंक। साथ में लैपटॉप खुला हुआ है, तो इसलिए एक बोलो। बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए ना, फिर आपको यूज करने में दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल ये समझ गए? लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ अप्रैल का चाहिए, ठीक है? तो ठीक आप डेटा कनेक्शन में जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टी पे आएंगे, डेफिनेशन, यहाँ डेटा टेबल दिख रहा है ना सर? अब यहाँ पे एसक्यूएल करके, यहाँ पे आप एसक्यूएल की क्यूरी राइट करके और इसको लिंक कर सकते ओके हैं, समझ गए ना सर? और कैसे, सर, इसका चलिए रिकॉर्ड, एक और कनेक्शन दिखाता हूँ, उसमें क्यूरी लिखा हुआ खुद बखुद आ रहा इसको रिकॉर्ड करते हैं आप, है। अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो उसको भेज उसके लिए देंगे क्या आप तो होगा अच्छा कि रहेगा। फ्रॉम एक्सेस में, देखिए फ्रॉम एक्सेस में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी दिख रहा है आपको सर, यहाँ पे इसके थ्रू और बेटर होता है। अब मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल सिलेक्ट किया एंड ओके किया, और यहाँ पे मेरा एक्सेल फाइल डॉक्यूमेंट में डेटा आ गया ओपन, इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है विजिबल, क्योंकि तो इसमें ऑप्शन में ये हमारा सिस्टम टेबल सिलेक्ट नहीं है, बस इसको एक बार करना पड़ेगा सिलेक्ट। अब मैं डेटा की पूरी यहाँ पे पूरी फील्ड को यहाँ ले लिया, नेक्स्ट, कोई फील्ड नहीं भी चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, नेक्स्ट। अब कंडीशन लगाना मंथ के ऊपर कि मंथ इक्वल टू जनवरी अप्रैल, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, और यहां पे ओके। राइट सर? बिल्कुल अब बट ये तो अप्रैल का आया ना, बट मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे M1 पे अगर मैं जून लिखूं तो जून है,
आप जाके देखिए वहां पे, आप मैनुअल क्यूरी वहां कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेट क्यूरी कर दिया है, चेंज प्रॉपर्टी में, ठीक है सर, सिलेक्ट कमांड, ठीक है सर जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कमांड लिखा हुआ है तो मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है सर। जी हाँ यहाँ अप्रैल जहां लिखा हुआ है, इस अप्रैल के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगा के पैरामीटर सेट कर दें। पैरामीटर हमने बोला M1 and okay and close। आ गया जून का, जुलाई, अगस्त, ऐसे आप जो है मल्टीपल टेबल्स, जैसे कि आपको दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप लगाने हैं, दो टेबल को यूनियन करना है, डिस्टिंक्ट करना है, जो स्कूल के जो फीचर्स होते हैं उन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओके समझ गया सर। अब इसी चीज के लिए अब एक्सएमएल में तो फीचर था नहीं, वीवीए के थ्रू हमें करना पड़ता और बड़ी लंबी सी कोड लिखनी पड़ती, और यहाँ भी इतनी आसानी से हो गई। तो मैं इस स्किल सर्वर की बात कर रहा था, SQL क्यूरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आएंगे न्यू क्यूरी में, बहुत सारे क्यूरी आपको दिखेगा फॉर्म एक्सेल फाइल सीरीज सी, और यहाँ पे आप अपना क्यूरी वगैरह खुद से राइट और एडिट कर सकते हैं, कमांड क्यूरी या क्यूरी ऑप्शन या शो क्यूरी पे जाके, तो ये आपका ये होता है माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी होता है। अच्छा तो इस क्यूरी की बात कर रहे थे जहाँ पे हमने देखा कि वहां पे एक तो हमने वो इसके थ्रू माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के थ्रू किया था, हम वहां पर डायरेक्ट क्यूरी भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ चीज को डिलीट करके मैंने स्टार लगा दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द डेटा, कर दिया था सर। हाँ ये सब तो पता है, तो ऐसे आप भी कर सकते थे। ओके ठीक है, पावर क्यूरी एडिटर पे क्लिक करेंगे, प्री ऑप्शन में तो इसका एडिटर भी आता है, क्योंकि आगे से क्लास में हम आपको समझाएंगे। ठीक है ठीक है, तो इस कोर्स में इस तरह की क्यूरी होगी जो कि जरूरत है, जरूरत तो है इसका, तो जरूरत है। हाँ तो ये चीज की हम बात कर रहे थे, और सेम चीज एक्सेल में हुआ, और इसी तरह की चीज हम वीवीए में भी करते हैं। सर पहले आप एडवांस एक्सेल सिखाएंगे या फिर वीवीए? पहले हम शुरू से एक्सेल शुरू करेंगे, पहले इस कोर्स को करेंगे, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसको करेंगे, फिर इस कोर्स को करेंगे, और ये तीनों कोर्स मेन रहेगा, और इन तीनों कोर्स के वीकेंड में आपका ये डैशबोर्ड आता जाएगा, जैसे जैसे इसको सीखेंगे जैसे जैसे इसको यूज करते चले जाएंगे, और SQL भी जैसे जैसे आएगा वहां पे आपका इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, और इस दो कोर्स को मैं अलग से नहीं सिखाऊंगा, ये कोर्स इन्हीं के बीच में आता जाएगा, क्योंकि ये कोर्स इसी से तीनों से रिलेटेड है। ठीक है ठीक, समझ गए जी, आपको डाउट तो नहीं है? जी नहीं नहीं डाउट नहीं है, मुझे लगा था एसक्यूएल का पूरा होता है ना। नहीं नहीं वो नहीं है सर, इंडेक्स डिवाइन MIS के लिए है, और MIS को जो चाहिए वही सिखाएंगे हम सर। ठीक है ठीक, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग के बारे में, राइट सर? ठीक है, तो आप सीखने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास तकरीबन घंटे दो घंटे का प्रैक्टिस टाइम होना चाहिए। है वो तो है, ऑफिस में मैं खाली रहता हूँ, सिस्टम रहता है हाथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम है हमारे पास। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मुझे नहीं पता बेसिक एक्सेल भी पहले से आना चाहिए, बट बेसिक एक्सेल आपको कितना आता है, एक्सेल की कुछ भी चीजें आनी चाहिए पर आपको कितना आता है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे एक्सेल ज्यादा नहीं आता, बट डेटा में फेच कर लेता हूँ, और जो एक्सेल का जो काम होता है ना ऑफिस का वो मैं कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन एडवांस लेवल का ऐसा कोई फॉर्मूला फिट नहीं कर पाता, कोई सॉल्व नहीं कर पाता। इसलिए हम शुरू से लेके चलेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मैं ऑफिशियल काम कर पाता हूँ, जो काम का चीज है डेटा पुल करना, उसको शेयर करना, ये सब कर लेता हूँ, बाकी तो अधिक नहीं आता।
आपको कोर्स को कर मतलब कि इससे पहले हम आपको एक वीडियो भेज रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे। इसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। इसमें ये 4 घंटे का वीडियो है और इसमें एक ऑफिस वीडियो पे जो जो आना चाहिए वो सब कुछ इसमें डला हुआ है। तो इसको एक बार देखिए, इसको मैं पूरा देखने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो में अगर आपको जो चीज आता है उसको स्किप कर दे, जो नहीं आता है उसको देख ले। अब बोलेगा सर वीडियो क्यों दिखा रहे हो? देखिए मेरा पढ़ाने का नहीं तरीका कुछ इस तरह है, मैं एक बता देता हूँ आपको, आगे चल के वीडियो मिलेंगे आपको देखने के लिए। जब भी कोई नई चीज, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा तो उसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो में पहले देखने को दूंगा। वीडियो देखने से फायदा ये होगा आपको कि उसके बारे में आपको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, तो आपका फोकस उसके एडवांस फीचर्स और उसके ट्रिक्स पे हो, बेसिक कंसेप्ट को समझने पे नहीं होगा। समझ गया? ओके उसी बिल्कुल तरह से मैंने जो भी आपको वीडियो भेजा है वो पूरे ये आपकी पूरे कोर्स का समरी है, तो इसको आप ठीक देख लीजिए। इसको देखना होता है, हर किसी को देखने के लिए देता हूँ शुरुआत में। उसके बाद ऐसे ही जब मैं पिवट कराऊंगा, मैं वी लुकअप कराऊंगा, मैं रिपोर्ट ऑटोमेशन कराऊंगा, मैं डेटा वैलिडेशन कराऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कराऊंगा, जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका यूज आमतौर पे ज्यादा होता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स पहले हम आपको दे देंगे कि हाँ सर कल ये टॉपिक होने वाला है, आप इसको देख लीजिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि कल आप, जाहिर सी बात है कि आपने एक मूवी देखी, आधी अधूरी मूवी समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, दूसरी बार देखोगे तो पूरी समझ में आ जाती है ना सर। तो सेम अच्छा उसी तरह से एक मैंने आपको टॉपिक दूंगा तो थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट उस पर आप समझ लेंगे। फिर जब मैं अगले दिन क्लास दूंगा तो आपके पास जो टॉपिक होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, वो सारे आपके ऑफिशियल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होंगे। तो हर बार इस चीज करूंगा मैं, ऐसा नहीं मैंने आपको ओके वीडियो दे दिया तो वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। नहीं, मैंने आपको वीडियो इसलिए दिया हूं कि उसको मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। अच्छा गो थ्रू हो जाऊँ एक बार पहले से। ठीक हाँ, पहले से गो थ्रू हो जाए। तो ये वीडियो आपको भेजा है मैंने, इसको एक बार देख लीजिए और फिर कल से हम क्लास को शुरू करेंगे। तो जरूरी नहीं कि पूरा वीडियो देखे, लेकिन एटलीस्ट 2-2.5 घंटे का भी देख लीजिएगा, एक ठीक बार हो रहेगा। सकता है शाम को, सर शाम को मैडम आपसे बात। हाँ ठीक है, उनको बोलिए कि डायरेक्ट फॉर्म भर दें और कल क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक हाँ मैं उनको लिंक भेज दूंगा ना, तो फॉर्म भर देगी, उसके बाद एक बार आपसे बात भी कर लेगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, कोई बात नहीं, बात तो कही सकती है, किसी के लिए है सर। ठीक है सर, कल से जो ठीक है टाइम पे कीजिएगा, क्योंकि 9:45 में हमारा अगला बैच होता है सर, ठीक है है ठीक है, ना। मैं एकदम बिल्कुल टाइम से अटेंडिव रहूंगा टाइम पे, इसलिए मैंने आपको 8:30 बजे रिमाइंडर मैसेज डाला था, बट आपने उसको देखा नहीं था कि 9 बजे फिर पूरा। मैं। नहीं, मैं एकदम, कम से दो आदमी रहेंगे कम से कम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मैं मिलते हैं हम कल, लेकिन रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। और सर मैंने अपना अकाउंट डिटेल दोबारा भेज दिया है, वो पेमेंट का देख लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सर अब पूरा पेमेंट इकट्ठे लेंगे या 5-5 हज़ार करके दे, ना दे दूं मैं? ठीक सर 7,500 आप पहले दीजिए एक्सेल के लिए, कि जब आपका वीबीए नहीं स्टार्ट नहीं होगा। पैसा तो मैं देखिए मेरा है कि मैं तो कोर्स पूरा करूंगा, ठीक है ना, लेकिन मैं अभी पैसे दे देता हूँ कोई, मैं पैसे को, हो सकता है कि पूरा पैसे मैं कुछ ही दिन में दे दूँ, रेस्ट ऑफ द ठीक मनी, है ठीक है और ठीक बाकी जो है मुझे है, तो मतलब पूरा कोर्स करना है, कि देखिए मैं तो मैं एक बार भी लेता हूँ, लेकिन आपने बोला था और ये भूपेश क्योंकि तोमर जी भी चूंकि हैं। दूसरा देखिए दूसरा जो आदमी है वो जो है ये गोता लगाएगा, पता नहीं उसका होगा नहीं होगा, लेकिन मैं तो, मेरा तो बस मूवमेंट ठीक लेना है है खाली, ठीक है, 5,000 करके देते हैं, चलिए ऐसा तो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं तो नॉलेज था के, जी, आप नॉलेज के लिए मैं सीख रहा इम्पोर्टेंट हूँ मैं हैं, तो। ठीक है ठीक, ठीक है, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं, आप इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बिल्कुल 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 ओके ठीक है। थैंक अच्छा ओके, थैंक यू सो मच।